आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। महाराष्ट्र में एक तरफ जहां कपास का रिकॉर्ड भाव मिल रहे हैं, वहीं सोयाबीन के भाव में कमी देखी जा रही है। खरीफ सीजन में उत्पादन में गिरावट आने के बाद किसानों ने उम्मीद जताई थी कि उन्हें अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। इस समय लातूर की कृषि मंडी में जो सोयाबीन पिछले महीने से 7,200 रुपये पर स्थिर बनी हुई थी, उसमें अब सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अब सोयाबीन का भाव 7,250 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह सोयाबीन की कीमतों में सकारात्मक बदलाव है। आने वाले समय में और भी रिकॉर्ड भाव देखने को मिल सकता है। सीजन शुरू होने के बाद से ही किसान सोयाबीन की कीमतों में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए कुछ किसान मौजूदा बढ़ती कीमतों में मामूली वृद्धि को देख सोयाबीन स्टॉक करने के बारे में भी सोच रहे हैं। वहीं मंडी में तुअर चने की आवक बढ़ रही है। फिलहाल इस समय लातूर मंडी समितियों में सोयाबीन, तुअर और चने के दाम बढ़ गए हैं। तुअर की खुले बाजार में गारंटी कीमत से ज्यादा भाव मिल रहा है। सीजन की शुरुआत के मुकाबले अब चने की कीमत में सुधार आया है। कीमतों में बढ़ोतरी से लातूर कृषि उपज मंडी समिति में सोयाबीन की 18,000 बोरियों की आवक पहुंच रही है, वहीं चने की 35,000 और तुअर की 18,000 बोरी के करीब। इस समय मंडी में इन कृषि चीजों की आवक सबसे अधिक है। वहीं सोयाबीन के लिए किसानों के मन में सवाल उठ रहा है कि इतने भाव में बेचें या फिर भंडारण करें। पिछले महीने 7,600 रुपये की रिकॉर्ड कीमत मिलने के बाद सोयाबीन पिछले कुछ दिनों से 7,200 रुपये पर स्थिर है। हालांकि इस हफ्ते भाव में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। 50 रुपये प्रति दिन की तेजी से सोयाबीन 7,200 रुपये से बढ़कर 7,250 रुपये पर आ गई है। इसलिए देखना होगा कि किसान सोयाबीन की कीमतों में बदलाव से संतुष्ट होंगे या सिर्फ भंडारण पर ध्यान देंगे। सीजन के अंत में दरों में सुधार से किसानों को राहत मिल रही है, लेकिन किसान उम्मीद भी कर रहे हैं कि उन्हें 10,000 रुपए का रेट मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।